प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार और झारखंड दौरे पर पहुंचे। पीएम के इस दौरे को लेकर झारखंड सरकार ने उनके स्वागत के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए थे, लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोग से चल रही नीतीश सरकार ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया। इससे प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि एक दिन पहले बिहार विधानसभा की ओर से विज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम के लिए ही निमंत्रण था, जबकि पटना आने का कोई जिक्र नहीं था। इसी बात पर बिहार के सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वहीं अखबारों में विज्ञापन के सवाल पर जेडीयू ने इसे मानवीय भूल बताया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था। बता दें कि पीएम मोदी के झारखंड दौरे से पहले देवघर में भी पोस्टर वॉर हुआ। यहां बीजेपी ने जो पोस्टर लगाया उसमें पीएम मोदी और देवघर के ज्योतिर्लिंग की तस्वीर थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरे रंग के पोस्टर में पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन को भी दिखाया गया था।